कोरोना से जारी जंग अब हम जीतने की कगार पर हैं। इसके लिए पूरी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। केंद्र सरकार ने दो कंपनियों के टीकाकरण को आपात स्थिति में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर संचालित करने को लेकर तैयारी मुकम्मल की गई। इसी कड़ी में 8 जनवरी को पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है, जिसमें जहानाबाद जिला भी शामिल रहा। जहानाबाद जिले में भी केंद्र द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ड्राई रन की प्रक्रिया संचालित की गई, ताकि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो कोई अफरा तफरी ना हो। टीकाकरण देने वाले कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हों और टीका जिन्हें दिया जाएगा वो भी किसी तरह के संशय की स्थिति में ना रहें। वहीं शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य महकमा द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है, इसका भी आकलन कर लिया जाएगा, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो। पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया है और इन्हीं गाइडलाइंस के तहत जहानाबाद के 3 केंद्रों पर ड्राई रन की प्रक्रिया संचालित हुई। सदर अस्पताल में संचालित हुई ड्राई रन प्रक्रिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र पर सबसे पहले चिन्हित लोगों को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। केंद्र पर मौजूद व्यक्ति उनके परिचय पत्र का लिस्ट से मिलान करेगा। लिस्ट से मिलान करने के बाद व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद चिन्हित व्यक्ति को, जो कि पहले चरण में हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना के जंग में हमारी भरपूर मदद की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया है और उनमें भी नर्स को वरीयता दी गई है। जहानाबाद के एनएम ट्रेनिंग कॉलेज में बनाए गए इस केंद्र पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन की गई। उसके बाद केंद्र के अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर ही उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, ताकि ये बात सुनिश्चित की जा सके कि उनका तापमान नियंत्रित है। उन्हें वैक्सीन से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संक्रमण के कोई लक्षण उनमें नहीं है। केंद्र में जाने से पहले उन्हें सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा और थर्मल स्कैनर से उनकी स्कैनिंग की जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं, जो सदर अस्पताल में ड्राई रन के तहत अपनाई गई। सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद थर्मल स्कैनर से तापमान मापने के बाद ये सुनिश्चित करते हुए कि चिन्हित व्यक्ति मास्क पहने हुए है, वो वेटिंग रूम में पहुंचेंगे। वेटिंग रूम में वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे। इस दौरान वेटिंग रूम में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पर्याप्त दूरी पर कुर्सियां लगाई गई है, जहां चिन्हित व्यक्ति अपने बारी का इंतजार करेंगे। इसके बाद बारी बारी से सभी टीकाकरण कक्ष में जाएंगे, जहां तय प्रक्रिया के तहत उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन का उन पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है। आधे घंटे तक डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जहानाबाद सदर अस्पताल में चले इस ड्राई रन की मॉनिटरिंग सिविल सर्जन खुद कर रहे थे। इस दौरान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार भी ड्राई रन की इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वो भी पूरी प्रक्रिया को खुद अपने ऊपर आजमा कर ये सुनिश्चित करते दिखे कि प्रक्रिया तय मापदंडों के आधार पर ही पूरी की जा रही है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बारीकी से पूरी प्रक्रिया का मुआयना किया और ये सुनिश्चित किया कि तय दिशा निर्देशों के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया
कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं कोई चूक है तो टीकाकरण की सही प्रक्रिया से पहले उस चूक को दूर किया जाए, ताकि जब टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ड्राई रन का मकसद भी यही है कि पहले से पूरी तैयारी मुकम्मल है या नहीं, ये सुनिश्चित कर ली जाए। इस दौरान सिविल सर्जन ने खुद जिला पदाधिकारी को पूरी तैयारी के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। एक एक गतिविधि के बारे में सिविल सर्जन जिला पदाधिकारी को पूरी जानकारी देते नजर आए। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर BIO का क्या कहना है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, उनकी बात सुनिए। ड्राई रन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसी को हम लोग आज उसको देख रहे हैं। जो वैक्सीनेशन होने वाला है कोविड-19 का, उसका हम लोग आज ड्राई रन कर रहे हैं। उसके लिए सबसे शुरू में जो भी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बाहर में काउंटर पर जो मेरा है वहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, मास्क भी रखा हुआ है, थर्मल स्कैनर भी रखा हुआ है। वहाँ से करने के बाद वो आकर के वेटिंग रूम में बैठेंगे। वेटिंग रूम से उठ करके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद इस रास्ते से इंट्रेंस के तरफ जहाँ मेरा इम्यूनाइजेशन होने वाला है वहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन जो करने वाली हैं वो समय दे देंगी, जिससे कि आधा घंटा के बाद हमको छोड़ने में सहूलियत मिले। इम्यूनाइजेशन होने के बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में चले जाएंगे, स्लिप उनके साथ रहेगा, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब रहेंगे। वो स्लिप में जो समय दिया हुआ है उससे आधा घंटा के बाद वहाँ से छोड़ देंगे। यही कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस दौरान ड्राई रन में जहानाबाद के 3 केंद्रों पर किसी तरह की कोई परेशानी की जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कि जिला प्रशासन ने जो तैयारी की थी वो पुख्ता निकली, पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम दिया गया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने टीकाकरण से पहले टीकाकरण की पूरी तैयारी कर रखी है, और वो भी बिना किसी चूक के। अब आपको सुनाते हैं इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट जिला पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी। देश के आलोक में जहानाबाद जिले में भी हम लोगों ने ड्राई रन प्रारंभ कर दिया है, और एक व्यक्ति को हम लोगों ने भी ड्राई रन के अंतर्गत किया, और बारी बारी से इस सेंटर पे 25 व्यक्तियों को ड्राई रन वैक्सीनेशन दिया जाएगा, और अन्य जो 2 सेंटर हमारे हैं वहाँ भी यह प्रक्रिया आज प्रारंभ कर दी है। जैसे ही वैक्सीन प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे जहानाबाद जिले में, हम लोग एक्चुअली जो हमें वैक्सीनेशन करना है फ्रंट वॉरियर को, हमारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको, वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। वैक्सीन लेने के लिए जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं उनको आना है, पोर्टल पे उनका नाम है ऑलरेडी, वो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी है। यहाँ पे उनका नाम जाँच होगा, रजिस्ट्रेशन होनी है, उनसे कुछ क्वेश्चन आए हैं वो पूछे जाते हैं, और उसके बाद वो वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन रूम वेटिंग लॉन में पहले बैठेंगे। वेटिंग लॉन में बैठने के बाद वो वैक्सीन रूम में जाएंगे, वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन होगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और 15 मिनट बाद फिर अपने घर चले जाएंगे। बच्चों को जैसे हम लोग पोलियो का डोज या अन्य चीज़ें दिलाते हैं या जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं उस सेम तरह का वैक्सीन है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया देश भर में की जा रही है और पूरी व्यवस्था को बिल्कुल नए गाइडलाइंस के तहत गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में कई तरह की अफवाहें भी है। हमारी आपसे अपील है कि इस टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की अफरा तफरी न मचाएं। टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइंस के आधार पर लिस्ट तैयार कर लिया है, और चिन्हित व्यक्ति को उनके पहचान पत्र से मिलान करने के बाद ही वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में जब आपकी बारी आएगी तो आपके मोबाइल पर यह जानकारी पहुंच जाएगी, तभी आप टीकाकरण के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य ऐसे तमाम लोग जो कोरोना से जंग में सबसे आगे खड़े हैं, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद बारी आम लोगों की आएगी। उसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया तय की जा चुकी है। अफवाहों में ना आए, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं, टीकाकरण के बाद भी हर उस व्यक्ति को जिसे वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई यानी कि वैक्सीन 3 डोज में उपलब्ध होगी, तो पूरी प्रक्रिया से पहले किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतें, यही हमारी सबसे अपील है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा।